खरगोन जिले के बड़वा थाने के अगरवाड़ा गांव में एक बुजुर्ग पिता ने अपने ही बेटे के पेट में चाकू घोंपकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चरित्र शंका के चलते माता पिता के बीच हो रहे विवाद को शांत कराने पहुंचे बेटे की अपने पिता से बहस हो गई। पिता ने अपने बेटे की विवाद होने पर हत्या कर दी। खून से सने कपड़े में 77 वर्षीय पिता करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर बड़वा थाने पहुंचा। इधर बेटे ने बड़वा अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बड़वा पुलिस ने माँ की शिकायत पर अपने पति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलते ही दल बल के साथ बड़वा टीआई जगदीश गोयल गांव पहुंच गए थे। पुलिस अब पूरे मामले की विवेचना कर रही है। घटना के बाद छतर सिंह की पत्नी कुसुमबाई ने बड़वा पुलिस थाने पहुंचकर पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कुसुमबाई ने बताया कि छतर सिंह मुझ पर शंका करता था। सुबह भी जब विवाद हो रहा था तो मेरे बेटे राकेश ने खिड़की से झाँक कर मुझे खुद के घर आने के लिए कहा। जब वह दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हो रहा था तो छतर सिंह दरवाजे के पीछे छुप गया। जैसे ही राकेश दरवाजे से अंदर आया उसने उसे चाकू घोंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। भाई छोरो पति छे तो 12 महीना हो गया है, दुख दिया करे, मार पीट करया करो। छोरो समझे भी दे, हम भी समझे देऊं कि बाद में शंका धरया कर। तो मारो आज बुखार आई गो भीतर कमरा में, वो भी था हूँ भी थी। तो छोरो आयो बाहर से तो कह कि भाई तू आई हमारा घर में आई जा, तू कही वहाँ से निकल। तो मैं कह भाई बांधू खोलते मन बांधू खोलो अनुन छोरा बांधू आदमी मार पति बांधू खोलो। जैसो बांधू खोलो असो आड़ में फड़स का आड़ में था वेल हाथ में चाकू रहे। तो जैसो बांधू खोलो वैसे उन छोरा चाकू मार दियो। ऐसा ये आए दिन तुम्हारा विवाद होते रहता है? आए दिन विवाद होते रहता है? नहीं ऐसे 2-8-15 दिन महीना खंड में माथा पची। पर आज मार बुखार आई गो तो हूँ घर थी अन घर ज रहूँ बीमार रहूँ घर रहूँ कथन जाती। अब माथा बच्चे चक्कू मार दिए वायरस सब जो आया फिर मिथुन की एन करी एन करी बढ़वाई लाया तो मत ये भी गेम मौत हुई। कितने छोरे हैं तुम्हारे? हमारा 2 छोरा छे, ये पीतमपुर में रहते। ये छोटा है? हाँ ये छोटा है। इनके कितने बच्चे हैं? ये 10-4 ये 12 साल की छोरी छे और 10 साल की छोरी छे और छोरो 6 साल की। ये सब तुम सब साथ में रहते हो घर में? हाँ। भैया क्या करते थे? भैया वो कारीगर को काम करो टाइल्स लगाओ। ऐसा क्या नाम है तुम्हारा? हमारा कुसुम भाई। आज तुमने रिपोर्ट लिखवाई थाने में? हाँ। ठीक। कुसुम भाई उम्र 65 साल है। इनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि आज दिनांक करीब 11:30 बजे इनके पति छतर सिंह जिनकी उम्र 77 वर्ष है इनके ऊपर चरित्र का लांछन लगा रहे थे और इनके साथ मारपीट कर रहे थे। उसी समय इनका लड़का रूप सिंह और राकेश आया, उसने दोनों के बीच में सुना करने की कोशिश की और पिता को बोला कि तुम माँ के संबंध में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, और उनको दूर किया। इतने में पिता ने आक्रोश में आकर के तकिए के नीचे चाकू रखता था उनका पिता छतर सिंह, उसने चाकू उठाया और इसके पेट में मार दिया। कि तो बार बार अपनी माँ की साइड लेता है और तो जब लोगों ने आसपास सुना कि झगड़ा हो रहा है उसको लेकर हॉस्पिटल में आए तब तक उसकी मृत्यु हो गई। सर बताया जा रहा है कि आरोपी पैदल यहाँ बड़वा थाने पहुँचा? आरोपी आया था अपनी रिपोर्ट करने के लिए। जब उसको पूरी देखा गया तो उसको हॉस्पिटल में हमने वो खुद भी घायल था उसको हॉस्पिटल पहले पहुँचाया। हॉस्पिटल जा कर के देखा तो वहाँ उनका पुत्र भी था जिसको गाँव के लोग लेकर आए थे। तब जा कर के ये पूरा मामला पता चला कि इनके द्वारा ही अपने पुत्र की हत्या कर दी गई। सर आरोपी को भी हाथ में कटा हुआ है तो इसके फिर घटना के पहले दोनों का विवाद हुआ था क्या, झगड़ा? अभी ये तो हमने प्राथमिकी दर्ज की है, ये पूरी अभी जांच रिपोर्ट में विवेचना करने पर पता चलेगा कि उसको कहाँ से चोट लगी है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया? अभी मामला पंजीबद्ध किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।